Hello, champions. A very good evening. So, how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? Wish you a very happy, happy Republic Day, first of all. So, am I audible? Clearly, my voice is clearly audible to you. Very good evening. Good evening, champions. How are you? Happy Republic Day to all. So, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? So, I hope आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी. ओके, सो जल्दी जल्दी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सेशन आज का शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं टैबलेट का और आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. यस, डेफिनेटली अलग सब्जेक्ट भी लेंगे, डोंट वरी. बट आप अभी जल्दी जल्दी सभी लोग अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी बोले और जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आए और फिर क्लास शुरू करते हैं फटाफट. सो हाउज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप यू आर डूइंग वेल. जैसे कि जीपैट का एग्जाम आ ही चुका है, अब रिवीजन और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. Okay. So champions, so within a 1 or 2 minutes, we are going to start our session. So I hope you are doing well. And again, wish you a very happy Republic Day. जैसा कि जान रहे हैं, 26 January है आज और 22 को हमारा exam आने वाला है. तो एक अच्छा score करने के लिए ready रहिए. Yes, we are going to achieve. Okay. Yes, of course, थोड़ा डेली आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. थोड़ा सा शेड्यूल बन रहा है आप लोगों के लिए. Our team is working day and night for you. So don't have to worry. आप लोगों को मेहनत करना है और मेहनत करते रहना है. जस्ट देखिए, डीमोटिवेट नहीं होना है. सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा आपको, एग्जाम की प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, सभी बुक्स पढ़ रहे हैं, सभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पर आप मेंटली कितना स्टेबल है, that matters for your competitive exams. Yes, so champions, jaldi jaldi students ko bulaiye aur fir shuruaat karte hain session ki. Abhi only we are having the 45 students. Isko jaldi jaldi 3 digits mein convert karna hai within a seconds or within a minute. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. आई होप आपने देखे भी होंगे सारी चीजें. क्या हाउ इज द फर्स्ट पार्ट? उसमें जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर ही बात करने वाले हैं. देखिए, ठीक है? यस, ओके. सो चलिए, विद इन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. थोड़ा सा क्वेश्चंस लेने वाले हैं. आज मेनली इवैल्यूएशन पर बात करेंगे. डिसोल्यूशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट एक्साइटमेंट, विद एक्साइटमेंट. यस, ठीक है. सो जल्दी ही होगा कोग्नोसी का लाइव भी, जल्दी होगा, डोंट हैव टू वरी. जैसे कि आप जान रहे हैं, 3 लाइव सेशंस अब शुरुआत हो चुकी है आपकी. फार्मास्यूटिक्स ले रहा हूं मैं और केमिस्ट्री भी दीपक सर ले रहे हैं और अभिषेक सर भी ले रहे हैं फार्माकोलॉजी. सो जल्दी ही शुरुआत करेंगे, डोंट हैव टू वरी. सो चलिए स्टार्ट करें. सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप साइन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल स्टार्ट द सेशन. यस, जस्ट मोटिवेटेड रहना है, ठीक है. चलिए जल्दी जल्दी फिर आज का सेशन शुरुआत करते हैं. थम्स अप का साइन बना होना चाहिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को भी थम्स अप मिलना चाहिए, ठीक है. चलिए, हेलो
ओके सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एपरेटस फॉर एज पर यूएसपी एंड आईपी. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एपरेटस फोर का नाम बताना है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया, व्हिच इज द यूएसपी फोर एपरेटस. यस, जस्ट समझना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है. ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज फ्लो थ्रू सेल, ऑप्शन बी इज पैडल, ऑप्शन सी इज बास्केट और ऑप्शन डी इज रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर. सो जल्दी जल्दी कमेंट बताएंगे, जल्दी जल्दी. आई नीड अ कमेंट एंड एन आंसर. यस, जल्दी जल्दी करें. यस ओके एक्सीलेंट सभी लोग. ओके ओके चलिए तो शुरुआत करें. कौन सा होगा आंसर? अकॉर्डिंग टू आईपी, सॉरी अकॉर्डिंग टू आईपी एंड यूएसपी द डिसॉल्यूशन एपरेटस नेम फोर्थ फोर्थ एपरेटस. यस फोर्थ वन. आज बात करेंगे, सारे एपरेटस डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक. यस चलें शुरुआत करें. चलिए सो द करेक्ट आंसर इज द अकॉर्डिंग टू द यूएसपी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू डिसॉल्यूशन. देखिए डिसॉल्यूशन एपरेटस की बात हो रही है यहां पर, मैं अगर क्लियर कर दूं, ये डिसॉल्यूशन एपरेटस पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो यहां पर हमने डिसॉल्यूशन एपरेटस जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू आईपी अकॉर्डिंग टू यूएसपी सारे डिस्कस करने वाले हैं. सो जिसमें फोर्थ एपरेटस जो होगा हमारा वो होगा फ्लो थ्रू सेल. अब बाकी के एपरेटस कैसे होंगे, उनको कैसे याद करना है वो भी मैं बताने वाला हूं. देखिए यूएसपी और आईपी में वन और टू में डिफरेंस है, बट देखिए थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेम रहेंगे, ठीक है? चलिए सो द करेक्ट आंसर इज द फ्लो थ्रू सेल. यस कौन सा है? फ्लो थ्रू सेल. नाउ चलिए अब इसको एक ट्रिक से याद करते हैं. अकॉर्डिंग टू द, ये आपके सामने एक साइकिल है, ठीक है? मैं इसको याद कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप लोग साथ ही साथ बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है? आईपी की बात करें, आईपी के अकॉर्डिंग जो वन एपरेटस होने वाला है वो उसका नाम क्या है ये बताइए. जो नंबर वन एपरेटस है वो कौन सा है? ट्रिक से समझ जाएंगे. ये क्या है? साइकिल का पैडल. क्या चीजें क्लियर हुई? पैडल. यस नाउ सेकेंड वन इज द सेकेंड क्या है? देखिए सेकेंड क्या है हमारा, ये साइकिल का ये बास्केट है. यस सो सेकेंड हमारा होने वाला है बास्केट. चीजें क्लियर हुई? फर्स्ट वन इज योर पैडल. बताइए क्लियर हुआ? थर्ड वन कौन सा है? ये सिलेंडर. यस इसको इसको याद रखेंगे. चीजें क्लियर हो रही है? अब फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ वन देखिए ये चेन है, जो ये साइकिल की चेन है. मैं अगर ये साइकिल की चेन फ्लो कर रही है, फ्लो थ्रू सेल. यस फोर्थ वन इज योर फ्लो थ्रू सेल. बताइए क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? इज दैट क्लियर? फ्लो थ्रू सेल. यस ओवर डिस्क एक और है. ओवर डिस्क की देखिए ये एक तरह का डिस्क है, तो यहां पर डिस्क एपरेटस आएगा. यस ठीक है. चलिए अब मैं इसके हेल्प से आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं. सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था, मैं आपको सीधा सा, सबसे पहले एपरेटस वन, एपरेटस वन इज योर रोटेटिंग बास्केट, ठीक है? सेकेंड वन इज योर पैडल, थर्ड वन इज योर रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर एंड फोर्थ वन इज योर फ्लो थ्रू सेल, जो ये पूछा गया था, ठीक है? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, इसके पर्टिकुलर यूज. देखिए जो वन होगा वो किसके लिए यूज होगा, ठीक है? कैप्सूल के लिए होगा, मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए होगा पहले वाला. सेकेंड किसके लिए होगा? टैबलेट्स के लिए होगा, मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए होगा, ठीक है? चीजें क्लियर हुई? थर्ड वन वाला किसके लिए होगा? डिटरमिनेशन ऑफ पीएच प्रोफाइल ऑफ मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्म.
इज दैट क्लियर? बताइए समझ में आ रही है चीजें? मैंने जितने भी अपरेटस बताए, फिफ्थ बताया था मैंने पैडल ओवर डिस्क, सिक्स जो उस ट्रिक में था रोटेटिंग सिलेंडर था, ठीक है, और सेवन था हमारा रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। बताइए चीजें क्लियर हुई? एंड जो हमारा मेनली फोर्थ एपरेटस होगा वो रैपिड डिग्रेडिंग ड्रग के लिए यूज होगा, और देखिए फिफ्थ वाला ट्रांसडर्मल पैच ऑइंटमेंट और इमल्शन के लिए यूज होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस फॉर्म में कि हमारा विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस इज सुटेबल फॉर इमल्शन, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, विच टाइप ऑफ एपरेटस इज सुटेबल फॉर इमल्शन, डिसोल्यूशन एपरेटस, जल्दी जल्दी बताएंगे। फटाफट बताइए कौन सा एपरेटस यूज होगा इमल्शन के लिए? चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? यस, एक्सीलेंट, ठीक है। नाउ अब सिक्स वाला हमारा होगा ट्रांसडर्मल पैच और सेवेंथ वाला भी ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो जान लिया हमने, ठीक है। अब बाकी नाउ ये कुछ चीजें हैं यूएसपी एपरेटस वन का और टू का, ठीक है। पहला बास्केट होगा और सेकंड यूएसपी पेडल टाइप होगा, ठीक है ना। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, बात को कौन सी बात को समझना है, देखिए यूएसपी के अकॉर्डिंग और बीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूएसपी और बीपी के अकॉर्डिंग सेम रहेगा। फर्स्ट वन इज योर बास्केट, इसमें भी फर्स्ट वन बास्केट है, सेकेंड वन पेडल और सेकेंड वन इसमें भी, बट याद रखिएगा आईपी के अकॉर्डिंग पैडल पहला होने वाला है और सेकंड होने वाला है बास्केट, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आर किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं बताऊं अगर क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, अगर आपके एग्जाम में आ गया इधर अकॉर्डिंग टू आईपी विच वन इज द फर्स्ट डिसोल्यूशन एपरेटस, पहला एपरेटस कौन सा है, ठीक है। मैंने ये सबसे पहले इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Did you get that these points? क्या ये points समझ में आए? Is that clear? मेरे को जल्दी जल्दी comment box में बताएं. Is that clear? जल्दी. Okay. चलिए समझ गए हैं. Now, अब अगर मैं बात करूं, देखिए 10 mesh screen, ठीक है, first का और second का 900 ml flask होगा. कुछ features हैं, temperature 37 plus minus 0.5 degree Celsius. ठीक है, ये कुछ फीचर्स है आपको याद रखना है, आपने फोटो ले ही लिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेट वेरिएशन लिमिट एज पर यूएसपी फॉर द टैबलेट वेट मोर देन 324 mg। यस, वेट वेरिएशन की लिमिट पूछी है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी। ऑप्शन ए इज 7.5 mg, ऑप्शन बी इज 7.5%, ऑप्शन सी इज 5% और ऑप्शन डी इज 5 mg। बताइए, देखिए इसमें भी यूएसपी और आईपी की लिमिट्स हैं, ये चीज भी बताने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहां पर है, कुछ टेबल्स हमें याद रखना पड़ेगा इस टेबल में, इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएसपी भी कुछ लिमिट्स दी गई है और आईपी भी। अब वेट वेरिएशन क्यों करते हैं, वेट वेरिएशन अगर लेट सपोज मैंने उस दिन भी बात की थी ओवर से पाउडर फ्लो, ठीक है, ज्यादा हो गया तो वेट वेरिएशन हो गया, ठीक है। वेट अगर मैं बात करूं 250 mg का कोई टैबलेट बना रहा हूं और इसमें ज्यादा ज्यादा होपर की वजह से दिक्कत आ गई, फ्लो में दिक्कत आ गई, तो ये 255 हो गया, नेक्स्ट टैबलेट जो बनी 245 हो गया। तो इसकी कुछ इसको इस वेरिएशन को सेट करने के लिए वेट वेरिएशन का टेस्ट बनाया गया। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टेस्ट, वेट वेरिएशन आपका ऑफिशियल टेस्ट है, याद रखिएगा वेट वेरिएशन इज योर ऑफिशियल टेस्ट। क्वेश्चन भी पूछा गया है नाइपर में, ठीक है, दैट वेट वेरिएशन आपका ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपी, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा यहां पर, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग टू आईपी अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर ये चीज पॉइंट है, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं यहां पर। अकॉर्डिंग टू आईपी जो फ्रायबिलिटी होगा वो होगा नॉन ऑफिशियल, ठीक है। और यूएसपी, यूएसपी में आएगा यूएसपी एंड
यूएसपी में आएगा या ऑफिशियल में? ठीक है, क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी बताइए, ये चीज क्लियर हुई आपको सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यस, चलिए नाउ, ये मैंने प्रायबिलिटी का आपको कुछ बताया, अब यहां पर मैं फिर से क्वेश्चन पे आ जाता हूं। वेट वेरिएशन क्यों कर रहे थे ये बता दिया, अब इसको करते कैसे हैं? देखिए सीधी सी बात है, 20 टैबलेट्स लेंगे, 20 टैबलेट्स लेंगे इसमें, ठीक है, उनका एवरेज वेट कर देंगे, एवरेज वेट करने के बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर दो टैबलेट डेविएट नहीं होना चाहिए, ये प्रोसीजर कहता है। दो टैबलेट जब ये इसका एवरेज वेट से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक लिमिट, एक वो आएगा, एक वैल्यू आएगा यहां पर, और फिर उसके हिसाब से एक अपर लिमिट निकालेंगे और फिर एक लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स में ये 20 टैबलेट्स को मैच होना चाहिए, ठीक है। दो टैबलेट तक चल जाता है, डेविएट हो सकता है। अब उसी डेविएशन को देखने के लिए ये हमने वेट वेरिएशन बनाया अकॉर्डिंग टू यूएसपी और बीपी, सॉरी आईपी। नाउ ठीक है, अब पूछा गया कि इसमें जो 324 mg होगा, मोर देन 324 mg, तो वो कितने परसेंट वेरिएशन में आएगा? सो द करेक्ट आंसर इज योर 5%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएसपी। चलिए अब आईपी का भी देख लेते हैं, आईपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नाउ देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपको सारा थ्योरी बता चुका हूं, टैबलेट जीपैट 2018 में क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें बता चुका हूं यहां पर कि दो टैबलेट से डेविएट होना चाहिए, इंडिविजुअल वेट, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। अब ये लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए गेट 2007 में यहां से क्वेश्चन आया, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ टैबलेट, देखिए अकॉर्डिंग टू आईपी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ठीक है, यहां पर देखिए आईपी में 80 mg और लेस, 80 to 250 mg और मोर देन 250 mg, ठीक है, और यूएसपी में लिमिट्स अलग है, 130 mg, 130 to 324 mg और मोर देन 324 mg, ठीक है। अब मैक्सिमम परसेंटेज अलाउ कितना है ये पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर मोर देन 324 है अकॉर्डिंग टू यूएसपी तो कितने परसेंट है बताइए, प्लस माइनस 5%, और अगर 130 mg और लेस है तो 10%, और इसका प्लस माइनस 7.5%, बताइए इज दैट क्लियर? बताइए जल्दी, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, चैंपियंस, आई नीड एन थम्स अप। ये चीजें क्लियर हुई, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, चीजें क्लियर हुई आपको मेनली वेट वेरिएशन की? ओके, काफी कम स्टूडेंट्स एक्टिव दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स यू आर द मोटिवेशन फॉर मी, सो आई शुड गेट योर रेस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके चलिए ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। चलिए नाउ नेक्स्ट, देखिए अगेन वही क्वेश्चन पर कुछ और पूछ लिया गया, ठीक है, पूछा वेट वेरिएशन लिमिट एज पर आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग लिमिट, वेट वेरिएशन की लिमिट पूछ लिया लेस देन 80 mg, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताएंगे। फटाफट क्लियर करें कौन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर उसमें पूछा गया था अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ठीक है, इस हिसाब से यहां पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू आईपी, क्लियर करें चीजें, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत लाइटली ले लेते हैं और क्वेश्चन में एक वैल्यू का ही खेल है, यहां पर बोला वेट लेस देन ना पढ़ाओ तो मोर देन पे टिक हो जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना है तब अटेम्प्ट करना है, समझना है, अपने माइंड को एग्जॉस्ट करके रखो कि हाँ, मतलब माइंड को परेशान करो कि कहां पढ़ा था और कैसे पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10% है, 10 mg है, 5% है और 5 mg है, सो द करेक्ट आंसर इज, पता ही लग गया है, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 10%, यस, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नाउ नेक्स्ट, लैक्टोज इज कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन हैविंग नो रिएक्शन विद मोस्ट ऑफ द ड्रग्स बट इट इज अंडरगो मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, केमिकल इनकंपैटिबिलिटी होती है विद अमीन, इट्स एन केमिकल इनकंपैटिबिलिटी विद अमीन, ठीक है। नाउ
अब इसमें और स्पेसिफिक पूछ लिया, प्राइमरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन होगा, या प्राइमरी या टर्शियरी अमीन होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा, बताइए। ये कुछ हटके क्वेश्चन है। मैलार्ड रिएक्शन तो बता दिया, ठीक है, बताइए मैलार्ड रिएक्शन में एनहाइड्रस जो, अच्छा ये बताइए कौन सा लैक्टोज यूज करते हैं जिससे मैलार्ड रिएक्शन की शिकायत ना हो, बताइए जल्दी बताइए। आई नीड, कौन सा लैक्टोज यूज करें अगर मैलार्ड रिएक्शन ना हो। टाइप योर आंसर, टाइप योर आंसर, एक्टिव, बी एक्टिव व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बी एक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, हमने डिटेल में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, कि लैक्टोज हमारा अमीन के साथ मैलार्ड रिएक्शन शो करता है, एमआर मैलार्ड रिएक्शन शो करता है, ये क्लियर हो गया था वहां पर। अब स्प्रे ड्राइड लैक्टोज जो होता है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज वो क्या करता है, वो भी प्रोन टू डार्कनिंग होता है, प्रोन टू डार्कनिंग, यस, क्यों, ड्यू टू दी, कौन सा ग्रुप रहता है, किसकी वजह से डार्कनिंग शो करता है, बताइए जल्दी जल्दी। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज फर्फ्यूरल्डिहाइड की वजह से, याद रखिएगा फर्फ्यूरल्डिहाइड की वजह से प्रोन टू डार्कनिंग। अब इसके अल्टरनेटिव में आया एनहाइड्रस लैक्टोज, ठीक है, एनहाइड्रस लैक्टोज ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब इसमें पूछ लिया स्पेसिफिक जो लैक्टोज है किसके साथ, प्राइमरी अमीन, यस प्राइमरी अमीन, काफी स्टूडेंट्स का आंसर रहा पर प्राइमरी अमीन, यू आर द करेक्ट, यू योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, प्राइमरी अमीन के साथ दिखाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, बताइए ऑप्शंस है, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ऑप्शन मिसमैच कर रहा है, मतलब एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कहां से, क्वेश्चन आ गया कंप्रेशन मशीन से, क्वेश्चन आया यहां पर, कैमट्रैक दे दिया, उसका फंक्शन दे दिया, कैमट्रैक गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस, हाँ ये भी सही है, टरेट होल्ड अपर एंड लोअर पंचेस, ये भी सही है, टरेट्स भी होल्ड करते हैं अपर पंच को, ये हमारी डाई हो गई, ये लोअर पंच हो गया, ये अपर पंच और ये लोअर पंच, ठीक है, होल्ड करता है तो टरेट हो गया, ठीक है। डाई टेबल, डाई टेबल क्या करता है, पोर्शन होल्डिंग द डाई, यस बताया था फर्स्ट पार्ट में, यही बताया था सारे पार्ट, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यस चैंपियंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए हैं, यस। सो अब चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये मैंने बताया था, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, देखिए ये मैंने बताया था, ओपर फॉर होल्डिंग फीडिंग ग्रेन्यूलेशन टू बी कंप्रेस्ड, डाइज डिफाइन द साइज एंड साइज ऑफ द शेप ऑफ द टैबलेट, पंचेस यूज फॉर कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स विद द डाई, ठीक है, कैमट्रैक गाइड द मूवमेंट ऑफ द पंचेस, टरेट होल्ड अपर एंड लोअर पंचेस, ये पूछा गया था, कैम ट्रैक करिए, डाई टेबल देखिए, पोर्शन होल्डिंग द डाइज, तो ये तो है, फीडिंग मशीन यूज फॉर मूविंग ग्रेन्यूलेशन फ्रॉम द ओपर टू द डाइज, बताइए ये लीजिए, क्लियर हुआ, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इज दैट क्लियर, क्लियर हो रही है सारी चीजें स्टूडेंट्स, जस्ट रेस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स सो आई विल नो दैट यू आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स, ओके। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्पार्टेम, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, एस्पार्टेम के बारे में बोला गया है। ऑप्शन ए नॉन कार्सिनोजेनिक, 20 टाइम्स मोर सूटर देन शुगर, ऑप्शन बी कार्सिनोजेनिक, 70 टाइम्स सूटर देन शुगर, ऑप्शन सी कार्सिनोजेनिक्स और 200 टाइम्स मोर सूटर देन शुगर, कार्सिनोजेनिक 500 टाइम्स मोर सूटर देन शुगर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस्पार्टम के, एस्पार्टम का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए जल्दी, करेक्ट बताइए विच इज दी करेक्ट आंसर। एस्पार्टम के बारे में पूछा गया है, ये पता है कि 200 टाइम्स मोर स्वीटर है देन सुक्रोज, ये तो पता है। तो अब हिट एंड ट्रायल से अगर एक चीज देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन की स्ट्रेटेजीज को, अगर आपको एस्पार्टम के बारे में ये पता है 200 टाइम्स, ठीक है, ये पहला और ये, तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, अब इनमें से हो सकता है। देखिए
अगर एस्पार्टेम, बात को समझिएगा, एस्पार्टेम क्या कार्सिनोजेनिक है कि नॉन कार्सिनोजेनिक है? यस, नॉन कार्सिनोजेनिक होगा, हाइग्रोस्कोपिसिटी का इशू रहता, हाइग्रोस्कोपिक रहता नेचर इसका, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए हैं? नाउ चलिए, कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स हैं आपके सामने, स्वीटनिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। स्वीटनिंग एजेंट में सबसे पहले साइक्लामेट है, साइक्लामेट मेनली कार्सिनोजेनिक है, 70 times स्वीटर देन शुगर है। देखिए ये हमारे मेनली स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर लिख लिए रहते हैं स्वीटनिंग, जितने भी स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उनका आप देख लीजिए, स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, यहां पर आप साइक्लामेट कार्सिनोजेनिक है, 70 times स्वीटर देन शुगर है। मैनिटोल, अच्छा मैनिटोल हमने किस किस टाइप की टैबलेट में यूज किया था, क्या कोई बताएगा? जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैनिटोल किस तरह की टैबलेट में हम यूज करते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे, मैनिटोल हमने किस तरह की टैबलेट में यूज किया था? च्यूएबल, यस चैंपियंस, इफ यू द समवन इज हैविंग द विजिबिलिटी इश्यूज, देन आप एक काम कीजिए, मैं आपको बता देता हूं, 720p पर आप इसको चलाइए, ठीक है, वहां पे आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैनिटोल च्यूएबल टैबलेट में यूज किए थे, ठीक है, ये देखिए लिखा है 70 times स्वीटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैनिटोल हमारा किस कितना टाइम स्वीटर है, तो 72 times। सैक्रीन की बात कर रहे हैं, कार्सिनोजेनिक और 500 times स्वीटर देन शुगर, जीपैट 2020 का क्वेश्चन है, बताइए इज दैट क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एस्पार्टेम की बात कर रहे हैं, नॉन कार्सिनोजेनिक पहला पॉइंट, 200 times स्वीटर देन शुगर दूसरा पॉइंट, वही पूछा, एस्पार्टेम इज अ मिथाइल एस्टर ऑफ द एस्पार्टिक एसिड फिनाइल एलानिन डाइपेप्टाइड, ठीक है, क्लियर हुआ। गेट 297 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी थम्स अप भेजें कमेंट में, फिर आगे बढ़ते हैं, उतनी स्पीड से पढ़ेंगे जितनी स्पीड से आपका रेस्पॉन्स आएगा। आई नीड एन फास्ट रैपिड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है, क्लियर हुआ, लीजिए फटाफट एसएस लीजिए, क्लियर करें, हो गया है। चलिए बहुत अच्छे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटनर्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मैं अभी बता चुका हूं, अगेन यहां पर आ गया हाइग्रोस्कोपिक, वहां पे उस टेबल में डिस्कस नहीं किया था पर मैंने बता दिया था बात बात में, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए चैंपियंस, स्वीटनर्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक, कौन सा स्वीटनर हाइग्रोस्कोपिक का नेचर का होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या ऑप्शन ए एस्पार्टेम, ऑप्शन बी सैक्रीन, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी बताइए चैंपियंस। यस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑप्शन ए एस्पार्टेम नॉन कार्सिनोजेनिक, पहली बात यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, नॉन कार्सिनोजेनिक, एनसी लिख दे रहा हूं, 200 times स्वीटर, क्लियर हो रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा हो रहा है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, एस्पार्टेम की बात याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक, इज दैट क्लियर, समझ गए हैं? ये तीन पॉइंट, ये खास बात एस्पार्टेम की आप याद रखेंगे, चीजें क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है, चले आगे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अकर्स इन विच स्टेप ऑफ द वेट ग्रेन्यूलेशन मैकेनिज्म, ठीक है, एयर का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वॉइड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स किस स्टेप में होता है, कैपिलरी स्टेट, पेंडुलर स्टेट, फ्यूनिकल स्टेट और सॉलिड ब्रिजिंग स्टेट, ठीक है, जल्दी बताएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए जीपैट 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ कुछ स्टेप्स हैं
वेट ग्रेन्यूलेशन की बात की गई है यहां पर, वेट ग्रेन्यूलेशन। वेट ग्रेन्यूलेशन में क्या यूज करते हैं, वेट ग्रेन्यूलेशन में लिक्विड यूज करते हैं एक मास बनाने के लिए, एक स्लग बनाने के लिए। लेट सपोज एक लेमन की लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं घर पे घर में हमारे पेरेंट्स मदर हमारी रोटी बनाती हैं तो एक पाउडर होता है, पाउडर में लिक्विड डालते हैं तो स्लग बन जाता है। इसी तरीके का प्रोसेस हम वेट ग्रेन्यूलेशन में वो करते हैं। तो अब यहां पर बात की गई है लिक्विड एड करने की कंडीशन पे, ठीक है। ये पार्टिकल्स है लेट सपोज, ठीक है, चीजें क्लियर कर देता हूं। पार्टिकल्स में लिक्विड ऐड करने के बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे ये स्टेट्स बनाए गए हैं, कैपिलरी स्टेट, पेंडुलर स्टेट और फ्यूनिकुलर स्टेट, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है, जल्दी जल्दी बताइए, चीजें क्लियर हो रही है। वॉइड वॉल्यूम, देखिए अगेन मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, वॉइड, अच्छा वॉइड वॉल्यूम क्या होता है, बल्क वॉल्यूम क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई बीकर है, बीकर में वॉइड स्पेस है, वॉइड स्पेस है, ये देखिए ये स्पेस है हमारे पास, ये इसको बोला गया वॉइड, ठीक है। वॉइड मतलब खाली, चीजें क्लियर। सो अब मैं चीजें क्लियर करूंगा ये सारे स्टेट्स। सो अकॉर्डिंग किस स्टेप में होता है, वेट ग्रेन्यूलेशन में, ठीक है। एक तो वेट ग्रेन्यूलेशन होता है, मैं यहां पर स्टेप्स भी क्लियर कर देता हूं। एक होता है हमारा, कौन से तीन स्टेप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा होता है ड्राई, और थर्ड वन होता है वेट ग्रेन्यूलेशन। इसी मेथड से बनती है टैबलेट्स, तीन मेथड से बनती है। सो वेट ग्रेन्यूलेशन में कौन से स्टेप में ऐसा होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिलरी स्टेट। अब कैसे होता है ये मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये चीज, कौन सा स्टेट है सबसे पहले, पेंडुलर। पेंडुलर में क्या हुआ, हमने हमारे पास पाउडर है, ठीक है, हमने सॉल्वेंट डाला, ये वेट ग्रेन्यूलेशन की बात कर रहा हूं, वेट ग्रेन्यूलेशन में ही होता है ये स्टेज, याद रखिएगा। डायरेक्ट, ड्राई और डायरेक्ट में नहीं होता, क्योंकि जिसमें हमने लिक्विड यूज किया उसी में होता है, ठीक है। अब हमने लिक्विड यूज किया तो देखिए देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजेस, क्या चीजें क्लियर हो रही है यहां पर बताइए, ठीक है। देखिए ब्रिज बन रहा है, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं। पेंडुलर में, पेंडुलर स्टेज सबसे पहले बनती है, उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया लिक्विड, लिक्विड थोड़ा सा और बढ़ाने के बाद फ्यूनिकुलर स्टेज बनती है। फ्यूनिकुलर कैसे, अब मतलब कोलिसिस होता है, मतलब जो ये पर्टिकुलर ये यहां पर जो ब्रिज बन रहा है, ये जब लिक्विड बढ़ा देंगे, देखिए ब्रिज खत्म होता जा रहा है, देखिए कितने सारे ब्रिज थे यहां पर देखिए इस तरीके से। सो देयर इज अ, क्लियर हो रहा है, यस। नाउ फिर उसके बाद अब यहां पर बोला गया, क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन पे बात करेंगे कैपिलरी की, कैपिलरी पे क्वेश्चन पूछा गया, वॉइड स्पेस, वॉइड वॉल्यूम कैसे खत्म हो रही है, वॉइड वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा और लिक्विड, इससे ज्यादा लिक्विड ऐड कर दिया इस स्टेज में, तो यहां पर स्पेस था, बताइए ये स्पेस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर ये स्पेस दिख रहा है, ये चीज बताइए, इज दैट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब जल्दी थम्स अप, आई नीड एन थम्स अप, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं, ये चीज क्लियर हुई, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सभी लोग 250 प्लस स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग, सो आई नीड द 250 थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, सो दिस इज माई ब्राइब, ठीक है, मेरी ब्राइब होगी ये, आपका थम्स अप, आपके चेहरे पे स्माइल, मेरी ब्राइब होगी, ठीक है, मेरी रिश्वत होगी आपके चेहरे पे मुस्कान, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करना है, डोंट हैव टू वरी, करते चलेंगे करते रहेंगे, ठीक है, यस, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, नाउ नेक्स्ट उसके बाद स्लरी, ठीक है। स्लरी का कब फॉर्मेशन होता है, जब इससे ज्यादा हमने लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है, ये मेनली लिक्विड, हम वेट ग्रेन्यूलेशन में बात कर रहे हैं तो लिक्विड ऐड करते चले गए, ठीक है। चलिए किसी का कोई क्वेरी इस पर मेरे को जल्दी जल्दी बताएं, इज दैट क्लियर, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे, चलिए नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, माई गॉड, यू आर अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, अब आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन विद अ परफेक्ट रीजन,
while formulating a tablet, you saw that the material you are using for compression having rat holing discuss kiya tha, theek hai, problem. What will be your solution to encounter this problem? ठीक है, आप एक formulation scientist है, yes sir है, नहीं है तो बन जाएंगे, yes जरूर बनेंगे. ठीक है, अब आपको tablet बनानी है, rat holing की दिक्कत आ रही है. rat holing किससे related है? rat holing आपका related है hopper से, yes rat holing. मैंने बताया था इस तरीके का rat holing हो जाता है, यहाँ पर powder deposit हो जाता है. ठीक है, रेड होलिंग हो रहा है. अब उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? यूज द फ्लैट पंच, एडिशन ऑफ साइलोट टू द मटेरियल, यूज ऑफ कलरेंट, और ऑप्शन डी इज एडिशन ऑफ सोडियम स्टार्च ग्लाइकोनेट टू इंप्रूव रेड होलिंग. बताइए जल्दी जल्दी, काफी स्टूडेंट्स का डी आ रहा है. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलाइट क्या होता है? आप ही बताइए मेरे को कमेंट में. आप अभी गलत बताने लगेंगे इसको. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलाइट क्या बताया था मैंने? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट. चैंपियंस कम ऑन रेस्पॉन्ड, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता क्या है? तो सुपर डिसइंटीग्रेट का काम कहां है यहां पर? यहां तो होपर से रिलेटेड बात की गई है. चैंपियंस, Why are you not getting my point? Hopper से ले super disintegrate तो तब बात करेंगे ना जब tablet को disintegrate कराना होगा. बताइए option D तो correct incorrect है, याद रखिएगा. ठीक है, अब पहले पे आते हैं. flat punch, जब rat holing की issue है, hopper से related issue है, तो flat punch करेगा क्या वहां पर? कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, साइलोड, सर हमें तो ऑप्शन बी में देखने में कुछ लग रहा है. साइलोड क्या होता है सर? सिलिका डेरिवेटिव होता है, कोलोइडल सिलिका डेरिवेटिव. सर वो क्या होता है? सर फ्लो प्रोमोटर होता है. सर फ्लो प्रोमोटर डालेंगे तो ऊपर में रेट होलिंग का इशू तो सॉल्व हो जाएगा, फ्लो प्रमोट होने लगेगा. बताइए एग्री करते हैं तो आई नीड द थम्स अप. एग्री किए तो थम्स अप, जल्दी जल्दी बताएंगे. साइलोइड, ठीक है बताऊंगा आगे. फ्लो प्रमोटर थम्स अप चाहिए. चैंपियंस कम ऑन, क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. क्लियर भी नहीं, अब क्लियर होने की तो बात ही छोड़ दो, क्रिस्टल क्लियर की बात करेंगे. क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी बात. बहुत अच्छे, ठीक है. कलरेंट का तो कुछ होगा ही नहीं, कलरेंट भी काट दो तो ऑप्शन भी हमारा उस अकॉर्डिंग सही होगा. क्या ये चीजें क्लियर हुई? बताइए, इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन बी कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी. सो अब यहां पर बात करेंगे ग्लाइडेंट की. देखिए ग्लाइडेंट की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात, ग्लाइडेंट की मैं बात करूं तो ग्लाइडेंट होता क्या है? ग्लाइडेंट होता क्या है जल्दी जल्दी बताएंगे. व्हाट इज एक्चुअली ग्लाइडेंट? देखिए ग्लाइडेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है? प्रमोट करता है फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स को. ठीक है, सबसे पहले अब कैसे? रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. देखिए याद रखिएगा, फ्लो को प्रमोट करता है, पहली बात हमने सोच ली, ग्लाइडेंट को प्रमोट कर रहा है. दूसरी कैसे? क्वेश्चन आ सकता है What is the mechanism? Come on, champions! पूरा तथ्य से बात करने वाले हैं, पूरा solution, पूरा question को समझने वाले हैं. ठीक है, Now, by reducing the friction, reduce कर देगा friction between the particles. ये reduce कर देगा. जब friction reduce कर देगा तो flow अच्छे से होने लगेगा. Agree कर रहे हैं ना ये बात से? बहुत अच्छे. चलिए ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल, उनके प्रोप्राइटरी नेम, पूरा किस्सा ही खत्म कर देते हैं ग्लाइडेंट के बारे में. ठीक है, पहला सेलुलोज, एल्केमा बोलते हैं, सोल्का बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, क्लियर करिएगा. सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कोलोइडल सिलिका डेरिवेटिव्स. एरोसिल, कैबोसिल, साइलोइड. एरोसिल बोला है, एविसेल नहीं बोला. एविसेल किसका नाम है? अब ये बता दीजिए मेरे को, एविसेल क्या है? एरोसिल और एविसेल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है. बताइए. यस प्रिया दुबे इज द करेक्ट. ओके, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, बहुत बढ़िया.
कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, याद रखिएगा ठीक है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन आ गया, हमने पूछ लिया ग्लाइडेंट फ्लो प्रमोटर होता है, पहली बात। दूसरी बात सर क्या मैकेनिज्म, सर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, सर ये भी अच्छे से याद हो गया ग्लाइडेंट। थर्ड किस क्वांटिटी में यूज करते हैं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, कितनी परसेंटेज, 0.25 to 3% में इसको यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्न स्टार्च, दैट इज 5 to 10% कंसंट्रेशन, और टाल्क में 5% कंसंट्रेशन, ठीक है याद रखेंगे, क्लियर हुई चीजें जल्दी जल्दी बताएंगे, इज दैट क्लियर, नीड द थम्स अप एंड आफ्टर दैट वी विल मूव, समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ सिरप कोटिंग, पर्पस पूछा गया है यहां पर, पर्पस, पर्पस बताएंगे यहां पर, टू कवर एंड फिल इन द इम्परफेक्शन इन टैबलेट सरफेस कॉज्ड बाय सब कोटिंग, टू इंपोर्ट द डिजायर्ड कलर टू द टैबलेट, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंट्रेंस, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, यहां पर पूछा गया है, क्लियर करिएगा, द पर्पस ऑफ शुगर कोटिंग, ये शुगर कोटिंग का स्टेप है, सबसे पहले ये जान लीजिए शुगर कोटिंग, ठीक है कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, याद रखिएगा पढ़ते चलना है डिटेल में। शुगर कोटिंग में पहला सील कोटिंग आता है, सील कोटिंग, सेकंड बताइए सेकंड स्टेप क्या होता है, सील कोटिंग, सील कोटिंग हो गया, सील कोटिंग का होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, इसका स्टेप ये पहला है, तो ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, तीन ऑप्शन बचे, तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं, सब कोट, सील, सब कोटिंग, अब सब कोटिंग पूछा गया है, सब कोटिंग क्या करता है, सब कोटिंग इंपरफेक्शन क्लियर करता है, नहीं सब कोटिंग फिर से दोबारा बोले, सब कोटिंग क्या करता है, सब कोटिंग करता है बिल्डअप, साइज बिल्डअप, टैबलेट का साइज बिल्डअप करता है, क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिरपिंग, सिरपिंग में जो सब कोटिंग में इंपरफेक्शन हुआ, फिर से क्या बोलूं, जो सब कोटिंग में इंपरफेक्शन हुआ वो एक तो क्लियर करता है सिरपिंग में, दूसरा कलरेंट भी एड होता है, यस क्लियर करिएगा, इज दैट क्लियर, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट, जल्दी जल्दी बताएंगे, नीड द थम्स अप, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा यहीं पर ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग क्लियर कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, यस टू कवर एंड फिल द इंपरफेक्शन इन टैबलेट सरफेस कॉज बाय सब कोटिंग, एंड बी टू इंपोर्ट द डिजायर्ड कलर टू द टैबलेट, बताइए क्लियर हो गया, दोनों ऑप्शन सही है ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं एक और डिटेल पॉइंट से, यहां पर रिवाइज करूं मैं, क्या रिवाइज करना है, सब कोटिंग में पॉलीमर कौन सा यूज होता है, क्या कोई मेरे को बताएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, मेहनत करना है, मेहनत करते रहेंगे, कौन सा पॉलीमर यूज होता है, शेलेक और जीन, यस शेलेक यूज होता है, सेलेक और जीन यूज होता है, यहां पर लिख लीजिएगा, सब कोटिंग की बात कर रहा हूं, सब कोटिंग शेलेक यूज होता है, शेलेक में एक दिक्कत होती है, शेलेक का ये भी बताने वाले हैं, क्लियर करिएगा, शेलेक में एक दिक्कत होती है, क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है डिसोल्यूशन टाइम इंक्रीज कर देता है, ये बात क्यों कर देता है, क्योंकि शेलेक का पॉलीमराइजेशन हो जाता है सर, पॉलीमराइजेशन होने के कारण ये चीज इश्यू आ जाता है, क्या यही बताया था मैं, बताइए क्लियर हो रहा है चीजें, अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, चलिए यस अल्कोहलिक सॉल्यूशन धीरेन, बहुत अच्छे ठीक है, चलिए ठीक है ओके, नाउ इट इज ओके, आई एम गोइंग टू जस्ट राइट विद द नाउ Identify the wrong about the Roche fibrillator limit. Roche fibrillator, fibrillator के बारे में कुछ wrong बताना है, क्या wrong है, पहला option speed is 30 rpm, option B is dropping, distance 6 inches, option C is time 4 minute, option D is percentage acceptance of criteria, that is 0.5 to 1%, बताइए
क्या आंसर होगा? रोशे फ्राइबिलेटर फ्राइबिलिटी के लिए चेक करने के लिए होता है, फ्राइबिलिटी नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है, इट इज एन फ्राइबिलिटी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगेन यहां से पूछा जाता है, फ्राइबिलिटी, ठीक है, फ्राइबिलिटी नॉन ऑफिशियल टेस्ट में आता है अकॉर्डिंग टू आईपी, क्या ये बात समझ गए हैं? और ऑफिशियल में आता है यूएसपी के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल टेस्ट है ये, ऑफिशियल टेस्ट ओटी टेस्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए इज दैट क्लियर, समझ गए हैं? पहले ये बताइए ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल क्लियर हुआ? यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया, यस एक्सीलेंट, यस। अब देखिए इसमें हमें भटका दिया गया, हमें बोला कि इसमें रॉन्ग बताना है, चलिए 30 आरपीएम तो होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 25 आरपीएम होता है, तो यही तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग बताया गया पहली बात, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बात करते हैं, चलिए ठीक है, एक फ्राइबिलेटर होता है, उसमें क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, उसका मेनली जो स्पीड होता है वो 25 आरपीएम होता है, पहला पॉइंट, आरपीएम रन पर मिनट 25 आरपीएम, ठीक है, तो ये कितने मिनट के लिए करता है, ये 4 मिनट के लिए चलता है। अब 4 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, चैंपियंस बता दो, 25 = 100 रिवॉल्यूशन हुआ ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ? यस, ठीक है, ये पर मिनट की बात की गई है मैंने, यहां पर ये 4 मिनट के लिए होता है, और जो इसमें टैबलेट होती है वो 6 इंच से गिराते हैं, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, टाइम 4 मिनट, परसेंटेज, परसेंटेज क्राइटेरिया मतलब अगर हमने कोई टैबलेट बनाई, टैबलेट का बैच, लेट सपोज यू आर द प्रोडक्शन साइंटिस्ट, यू आर द प्रोडक्शन साइंटिस्ट, ठीक है, फॉर्मुलेशन बैच बना रहे हैं, बहुत धड़ाधड़ फॉर्मुलेशन बन रही है, फ्रैबिलिटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, फेल और पास कैसे करेंगे? अगर 0.5 to 1% तक डेविएशन होता है, इतना आता है, इतना कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, इतना आता है फ्रैबिलिटी तो चल जाएगा, अगर 1.2 भी हुआ ना तो फेल कर देंगे बैच, यस, इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? बताइए फ्रैबिलिटी के बारे में चीज क्लियर हुई, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, आई नीड जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए नाउ कौन सा आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यस, कितनी टैबलेट लेते हैं, 6 टैबलेट लेते हैं, 6 टैबलेट्स लेते हैं चैंपियंस, ठीक है, चलिए नाउ यहां पर बात करेंगे, अब देखिए ये फ्रैबिलिटी के बारे में बात की गई, मैंने फ्रैबिलिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, क्वेश्चन आया है 92 में गेट में और 02 में, ठीक है, 6 इंच डिस्टेंस होता है, 25 आरपीएम होता है, 4 मिनट होता है, टोटल रिवॉल्यूशन 100, नॉट मोर देन 1% अकॉर्डिंग टू आईपी। अब कैसे करते हैं, वो जो 6 टैबलेट लेते हैं उनका सबसे पहले इनिशियल वेट लिया जाता है, इनिशियल वेट मतलब उस फ्रैबिलेटर में रखने से पहले, ठीक है, रखने से पहले उसका वेट लिया जाता है, फिर उसको 4 मिनट बाद जब निकालते हैं तब फाइनल वेट लेते हैं, उन्हीं 6 टैबलेट का फाइनल वेट, ठीक है, फाइनल वेट लिया, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, बताइए क्या चीजें क्लियर हुई, इज दैट क्लियर, चीजें समझ रहे हैं, बताइए ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से, चलिए अगर यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं 0.5% आया, ठीक है, 0.6% आया, 0.7 आया, ठीक है, 0.8 आया, 0.9 आया तो चल जाएगा, अगर 1.2 आया तो फेल, 1.1 भी आया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपी की बात कर रहे हैं यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं अगेन, Identify the mismatch pair of the excipients and its brand name. ठीक है, पूछा गया है mismatch बताना है, कौन सा mismatch हो रहा है, ठीक है, क्लियर करिएगा, Zeprox, spray dried lactose, ऑप्शन बी,
पर्लिटोल दैट इज योर मैनिटोल, ऑप्शन सी प्रीमोजेल मॉडिफाइड स्टार, ऑप्शन डी एम्बरलाइट क्रोसपोविडोन। ठीक है बताइए, ऑप्शन बताइए। ओके अर्पिता ने अच्छा बताया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। Champions, don't get disheartened if I'm just unable to read your comments because there are lots of comments coming and I have to focus also here. So don't get disheartened. I'm just noticing all the students. You all are same for me. So हमें साथ ही में पढ़ना है, साथ ही में मेहनत करना है और साथ ही में एक अच्छी रैंक लेकर आनी है। चीजें क्लियर करिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सभी लोग लग रहे हैं ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपका कमेंट आ गया है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो आई एम सॉरी इन एडवांस। सो आगे भी पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है चीजें क्लियर करें। यस दयानदीप अच्छे से, बहुत अच्छे। यस ठीक है, यस मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बताऊंगा। ठीक है ज़ेप्रोक्स को हम स्प्रेड राइट लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है स्प्रेड राइट लैक्टोज के बारे में उस दिन खास बात बताई थी, ये डार्कनिंग कॉज करता है ड्यू टू दी फर्फ्यूरल्डिहाइड। ठीक है क्लियर को समझिए, चीजें समझिएगा। नाउ पेरलिटोल, मैनिटोल, मैनिटोल के बारे में क्या, च्यूएबल टैबलेट में यूज होता है, सीटी में यूज होता है, विटामिन फॉर्मुलेशंस में भी। प्रीमोजेल, प्रीमोजेल क्या है, मॉडिफाइड स्टार्च। अच्छा एक और था मॉडिफाइड स्टार्च, एक और था, जल्दी जल्दी कोई बताएगा क्या, क्लियर करें। मॉडिफाइड स्टार्च का एक और नाम बता दीजिए, मॉडिफाइड स्टार्च दूसरा भी था। नहीं, स्टार्च आरएक्स नहीं था, मॉडिफाइड स्टार्च एक्सप्लोटेब चैंपियंस। यस बहुत बढ़िया। नहीं हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, देखिए क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है मॉडिफाइड स्टार्च में कौन कौन सा था, एक तो एक्सप्लोटेब था, एक्सप्लोटेब। ठीक है क्लियर रखिएगा, ठीक है एक्सप्लोटेब, दूसरा है प्रीमोजेल। ठीक है ये मॉडिफाइड हो गया। हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च मैं यहां पर लिख देता हूं, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। ठीक है एमडेक्स एंड सेलुटेब, एमडेक्स क्लियर करिएगा, समझ में आ गया होगा, अब याद आ गया होगा। एमडेक्स पिछली बार क्लास में समझाया था आपको पीछे, ठीक है सेल्यूट टैब होता है। ठीक है स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है क्लियर हुआ है बताइए, क्लियर हुआ बताइए, इज दैट क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज एम्बरलाइट, होता ही नहीं है एम्बरलाइट, तो कौन सा होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हुई बताइए, यस। सो चलिए ना अब देखिए, अब बात करते हैं मेनली ब्रांड नेम और केमिकल नेम की। ठीक है यहां पर सारी चीजें डिस्कस हो जा रही हैं आपसे। पहला सेलुलोज होता है डेक्सट्रोज, ठीक है ना। स्टार्च आरएक्स होता है डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, इसका केमिकल नेम और ये ब्रांड नेम होगा। ठीक है याद रखिएगा। ओके ना एमडेक्स और सेलुटेब हाइड्रोलाइज स्टार्च होगा, प्रीमोजेल मॉडिफाइड, प्रीमोजेल में एक और लिख लीजिएगा यहां पर, प्रीमोजेल में क्या होता है, प्रीमोजेल मॉडिफाइड, एक एक्सप्लोटेब भी होता है हमारा, एक्सप्लोटेब। ठीक है ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है एबिसेल होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, सुपर डिसइंटीग्रेंट, सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है। इमोसेल वाइवासेल सेलुलोज होता है, पेरिटोल हमारा मैनिटोल होता है, और ज़ेप्रोक्स होता है हमारा स्प्रेड राइट लैक्टोज। कैबोसिल एरोसिल और साइलोइड होता है हमारा कोलोइडल सिलिका, इज दैट क्लियर। यस सर क्रॉस लिंक पीवीपी पॉलीप्लास्टोन, बहुत अच्छे ध्यानदीप, बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हो रही है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इज दैट क्लियर। प्रीवियस क्लास में भी आपको ये चीज बताया था चैंपियंस, अगर देखिए यहां पर मैं भी हम यस एसएस लीजिए, देखिए 720p पर देखिए अगर कोई इशू आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैं भी अपने सेलफोन से देख रहा हूं तो सारी विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, यहां पर मैं भी देख रहा हूं तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल स्क्रीन कर, इस तरीके से फुल स्क्रीन करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है याद रखिएगा,
ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फुल स्क्रीन करके देखिए, मैं भी यहां पर देख रहा हूं। मैं आई एम नॉट कि मैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने दूं, ये आप ही लोगों के लिए है, हम भी आप ही लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे डे एंड नाइट। वी आर जस्ट मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। इट इज व्हाई डोंट वी जस्ट टेक योर स्क्रीनशॉट, आप कभी भी ले सकते हैं, लीजिए उसका स्क्रीनशॉट, पर उसको फुल स्क्रीन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट की बात करें, एम कंप्रेस की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होने वाला है, ठीक है, एम्बरलाइट आयन एक्सचेंज रेजिन एंड पॉली प्लास्डोन क्रॉस लिंक पीवीपी जो वहां पर था, डाई पैक, न्यू टैप, शुगर टैप, ये हमारा शुगर बेस्ड डाइल्यूएंट है, याद रखिएगा डीएनपी के नाम से, याद रखिएगा ठीक है, डीएनपी, यस ठीक है, डीएनएस, सॉरी डीएनएस, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ माइक्रोसेलेक एंड सेल टैप, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बताइए। काफी टाइम से थम्स अप नहीं आया है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें, जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं विद सेम एक्साइटमेंट, ठीक है, डरना नहीं है, बहुत शांति से करते चलेंगे, डोंट हैव टू वरी, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच फॉर डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। रॉन्ग चीज बतानी है, गलत गलत चीज, आपसे मैं बहुत सारी चीजें, अब आपको क्रॉस चेक कर रहा हूं कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब 3 इंच, ऑप्शन मेस स्क्रीन 10, स्पीड 28 to 32 RPM, लीजिए देखिए, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबाव। डिस किसके बारे में पूछा गया है इसमें, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, चूर चूर करने वाले एपरेटस के बारे में, उसकी खास बात, टेबल मैं शेयर किया था प्रीवियस बार, प्रीवियस टाइम भी, यस ठीक है, मतलब लेंथ जो होने वाली है, जो मैं अगर यहां पर बात करूं डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में, ये एक लेंथ जो होती है वो 3 इंच होती है, इस तरीके की 6 ट्यूब्स होती है, ठीक है, 6 होती है, ये पहली बात, ठीक है। मैश स्क्रीन, मैश जो लगी रहती है यहां पर, वो 10 होती है। आरपीएम 28 to 32 RPM होता है, यस होता है। सो कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी जल्दी, डी इज द करेक्ट आंसर, यस, ये रॉन्ग मैच है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच फॉर डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, चीजें क्लियर करिएगा, ठीक है, समझ गए हैं, इज दैट क्लियर, आगे चलें। नाउ नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ प्रोसॉल्व इज, बताइए प्रोसॉल्व की कंपोजिशन पूछी गई है यहां पर, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज 98% एमसीसी प्लस 2% एरोसोल, फ्रुक्टोज 95% प्लस 5% कॉर्न स्टार्च है, ऑप्शन सी इज एमसीसी 98% प्लस मैनिटोल 10%, और ऑप्शन डी इज एमसीसी 75% प्लस डीसीपी 25%, क्लियर करें, जल्दी जल्दी बताएंगे, कमेंट योर आंसर चैंपियंस, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे क्या है एक्चुअली। प्रोसॉल्व की कंपोजिशन पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ सकता है नाइपर में तो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, नाइपर में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर जेईई आल्सो, वहां पर डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कम टाइम देते हैं, 200 क्वेश्चन देते हैं, 2 घंटा देते हैं, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। सो इसमें पूछा गया प्रो सॉल्व, जल्दी जल्दी बताएंगे, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज योर 98% एमसीसी प्लस 2% एरोसिल कंपोजिशन होती है ये, याद रखिएगा। चलिए नाउ, डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डिसोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात की गई है यहां पर, इट इज अ सरफेस रिलेटेड फिनोमिना, डी एग्रीगेशन बोथ ए एंड बी और नन, ठीक है, सरफेस रिलेटेड फिनोमिना, हां है, ऑप्शन बी इज डी एग्रीगेशन, एग्रीगेशन नहीं, डी एग्रीगेशन की बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शन सी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। डिसोल्यूशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं, डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर मास ट्रांसफर, क्या बोला मैंने, मास, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ मास ट्रांसफर, ठीक है, लिख लीजिएगा, मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू
लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस टू लिक्विड सरफेस, कौन सी इक्वेशन यूज होती है डिसोल्यूशन में, बताएगा कोई? कौन सी? यस, बहुत अच्छे, ठीक है, कौन सी होती है यूज, कौन सी इक्वेशन यूज होती है, बात करेंगे यहां पर डिसोल्यूशन में। नॉइज विटनी इक्वेशन यूज होती है चैंपियंस, बात याद रखिएगा, नॉइज विटनी, ठीक है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड नॉइज विटनी क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिएगा, नॉइज विटनी इक्वेशन, ठीक है, नॉइज विटनी इक्वेशन यूज होती है, इक्वेशन, ठीक है, जिसमें स्टैग्नेंट लेयर होती है और बल्क लेयर होती है, चीजें क्लियर हो गई? यस, मॉडिफाइड नॉइज विटनी में फिक्स लॉ होता है, मॉडिफाइड में, अगेन क्लियर कर रहा हूं, नॉइज विटनी अलग, ठीक है, एक मॉडिफाइड जिसमें फिक्स लॉ होता है, मॉडिफाइड नॉइज विटनी, इसमें फिक्स लॉ यूज किया जाता है, ठीक है, फिक्स लॉ, ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर करिएगा, चीजें क्लियर, एग्री कर रहे हैं, थम्स अप चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका अनस्टॉपेबल अभिषेक सर फार्माकोलॉजी का सेशन लेने वाले हैं, डोंट हैव टू वरी, फ्रॉम द 9 or 9:15 PM सर विल गोइंग बी लाइव फॉर यू, चीजें क्लियर, आज चलेगा 12 बजे तक मैराथन, ठीक है, यहां से फार्मास्यूटिक्स सर लेने वाले हैं आपका फार्माकोलॉजी, सो जस्ट गेट रेडी, आप लोग मेहनत करते रहिए, उसी तरीके से यहां पर आपके लिए जी जान से हाजिर रहेंगे, ठीक है, चीजें क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, सो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है, लिटिल फोर्ट लोज मिक्सर, डायसोना मिक्सर, ग्रैल मिक्सर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन, किसमें? डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन, वेट ग्रेन्यूलेशन और नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैंपियंस, देखिए तीन तरह का होता है प्रिपरेशन मेथड, देख लीजिए यहां पर छोटा सी बात बताऊंगा, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन, हाईलाइट याद रखेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन में एक्सिपिएंट्स के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होता, उनको बिना मॉडिफाई किए गए उनको कंप्रेस कर दिया जाता है, विदाउट बीइंग मॉडिफाइड एनी एक्सिपिएंट, वी आर जस्ट कन्वर्टेड द एक्सिपिएंट इनटू द टैबलेट, क्या ये चीज क्लियर हो गई, बताइए, इज दैट थिंग क्लियर, क्लियर हो गई, हो गई। ड्राई ग्रेन्यूलेशन क्या है? ड्राई ग्रेन्यूलेशन, देखिए ड्राई ग्रेन्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्री कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा, प्री कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, प्री कंप्रेशन, ठीक है, और डबल कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, डबल कंप्रेशन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, ठीक है, डबल कंप्रेशन, ठीक है, डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं, डबल कंप्रेशन क्यों, क्योंकि दो बार कंप्रेशन होता है, दो बार क्यों, क्योंकि जब पहले एक्सिपिएंट्स लिए जाएंगे उनको मिक्स किया जाएगा, फिर एक बड़ी सी टैबलेट बनाई जाएगी, बड़ी लार्ज टैबलेट, फिर इसी टैबलेट को क्रश किया जाएगा, फिर सीव किया जाएगा, फिर उसको अनदर यहां पे टैबलेट में फाइनल फॉर्म, तो प्री कंप्रेशन, एक बार यहां पर कंप्रेशन, एक दूसरी यहां पर, इसीलिए डबल कंप्रेशन बोला, एग्री कर रहे हैं इस बात से, बताइए वेट ग्रेन्यूलेशन में क्या होगा? वेट ग्रेन्यूलेशन गीला, मॉइस्चर, मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड का यूज हो रहा है, चीजें क्लियर करिएगा, बताइए समझ में आ रहा है कौन से, जल्दी जल्दी एग्री कर रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, थम्स अप जल्दी जल्दी डालें कमेंट बॉक्स में, फिर बढ़ते हैं आगे, सेम आपका कमेंट बॉक्स में बढ़ रहा है पर उस पर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वीडियो में नहीं बढ़ रहा, वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज वेट ग्रेन्यूलेशन में ये हमारे सारे ग्रेन्यूलेटर मिक्सर यूज होते हैं, ठीक है, चीजें क्लियर बहुत अच्छे से, चलिए नाउ ये देखिए कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो यूज करते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स फॉर वेट ग्रेन्यूलेशन, वेट ग्रेन्यूलेशन में लिटिल फोर्ड लार्ज मिक्सर दैट इज कैपेबल फॉर बोथ वेट मास एंड ब्लेंडिंग, ठीक है, डायसोना मिक्सर हमारा यूज होता है, लिटिल फोर्ड एमजीटी मिक्सर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, टोपो मिक्सर एंड एफबीडी, ठीक है, ग्रैल मिक्सर मॉडिफिकेशन फॉर प्लेनेट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेनेटरी मिक्सर होता है, ये पूछा गया, ऑसिलेटिंग ग्रेन्यूलेटर क्वेश्चन आया है, शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स ये क्वेश्चन आया है गेट 95 में, इज दैट थिंग क्लियर, चीजें क्लियर हुई, बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे,
आज यहां पर टैबलेट को फिनिश आउट करना है एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैप्सूल डोजेज फॉर्म। जिलेटिन से खेलेंगे, जिलेटिन के बारे में बात करेंगे, सॉफ्ट है कि हार्ड जिलेटिन होगा, कितना साइज होगा, क्या फार्माजेल ए होता है, क्या फार्माजेल बी होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। चलिए नाउ नेक्स्ट, बंपी अपीयरेंस ड्यू टू द इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग टैबलेट रिजल्ट्स इन बंपी अपीयरेंस। बंपी मतलब लेट सपोज ये हमारी टैबलेट है, ये हमारी टैबलेट है, मैं बात कर रहा हूं, टैबलेट को समझिएगा, टैबलेट है, बंपी अपीयरेंस मतलब फ्लफी टाइप। टैबलेट में जो होता है एक जैसे हो जाता है ना, आपने अगर मैं बात करूं एक लेमन लैंग्वेज की बात में कि जैसे छोला भटूरा होता है एक फ्लफी टाइप का, उस पर बल्ज रहता है, इसी तरीके का बंपी बंपी अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, उस इफेक्ट को। टैबलेट के साथ भी होता है, छोले भटूरे वाला नहीं सोच ले रहा है, ठीक है, यस, ठीक है, चीजें क्लियर करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, यस। सो कैपिंग हमने बात कर ली थी, सेपरेशन ऑफ क्राउन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ऑरेंज पील इफेक्ट ही होता है हमारा बंपी अपीयरेंस। ब्लूमिंग, मेनली ब्लूमिंग में क्या इशू आता है, इनएडिक्वेट जो मेनली उसका अपर कवरिंग होता है वो इश्यू करता है, स्टिकिंग अपीयरेंस आ जाता है टैबलेट पे इंजेक्शन के टाइम का। सो द करेक्ट आंसर इज योर दी ऑप्शन बी, दैट इज ऑरेंज पील इफेक्ट। अब ऑरेंज पील इफेक्ट होता क्यों है, ऑरेंज पील इफेक्ट इसलिए होता है जो विस्कोसिटी होती है कोटिंग सॉल्यूशन की। कम ऑन स्टूडेंट्स चैंपियंस, बात को समझिएगा, जो विस्कोसिटी होती है सॉल्यूशन की, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन is increasing, वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। एटोमाइजेशन प्रेशर वो भी डिफर कर जाता है, मैं बात कर रहा हूं एटोमाइजेशन प्रेशर, किस प्रेशर से हम कोटिंग सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो भी डिफर कर रहा है। अब ये सारी चीजें डिफर कर रही है तो इनको सॉल्यूशन क्या, अरे विस्कोसिटी अगर बढ़ रही है तो सिंपल सी चैंपियंस उसको घटा दो, अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो उसको घटा दो, क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है घटाने में, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब कैसा दिखता है रीजन वही बात कर लेते हैं, ये लीजिए देखिए, क्लियर हुआ, और इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग मटेरियल बिफोर ड्राइंग, माय गॉड, देखिए क्वेश्चन 90 में पूछा गया, 05 में, 06, 08 में, 2016 में भी पूछा गया, अब तो पढ़ना है, अब छोड़ना नहीं है। रीजन टू रैपिड ड्राइंग, बहुत जल्दी उसको ड्राई कर देना होता है, कर देते हैं तो इस वजह से होता है, हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी बता चुका हूं, ठीक है, तो विस्कोसिटी को कम कर दो, थिन कर दो, मे बी करेक्ट द प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर, चीजें क्लियर हो रही हैं, ओके चैंपियंस चैंपियंस, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी स्टूडेंट ने पूछा है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस इन गाजियाबाद एंड भुवनेश्वर ऑल्सो एंड ब्रह्मपुर ऑल्सो एंड इन गाजियाबाद फ्रॉम दी 14th of February वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 11 AM, ओके चलिए क्लियर हो गया है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोल्स पूछे गए हैं यहां पर, रोल्स क्लियर करिएगा, मैच ए विद बी, हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग जो हम करते थे अपने रेगुलर क्लासेस में, ठीक है, क्लियर करें। चलिए ल्यूब्रिकेंट का पूछा गया, एंटी एडेरेंट और ग्लाइडेंट, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ल्यूब्रिकेंट की, ल्यूब्रिकेंट रिड्यूस स्टिकिंग और एडेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ग्लाइडेंट का तो हमें पता है फ्लो प्रमोटर है, ये हमने देख लिया यहां पर, ठीक है, मतलब सी का टू हो गया, ठीक है, सी का टू, अरे फोर्थ ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है इसमें, चलिए फोर्थ ऑप्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, तो सी का टू इसका मतलब अगर ए का ल्यूब्रिकेंट का मेनली हमारा दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट वॉल एंड डाई वॉल ड्यूरिंग द टैबलेट इंजेक्शन। कैसे याद करें, टैबलेट वॉल का इशू है और डाई वॉल का इशू है, डाई वॉल का ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, एलटीडी, यस हो सुना है ना, प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे याद कर सकते हैं, एलटीडी, टी फॉर टैबलेट वॉल एंड डी फॉर डाई वॉल, एल फॉर ल्यूब्रिकेंट,
प्राइवेट लिमिटेड नहीं याद करना, बस एल लिमिटेड याद रखो, एलटीडी। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई? बताइए जल्दी, बहुत अच्छे से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कोटिंग विद अ परफोरेटेड कोटिंग पैन यू ऑब्जर्व दैट द फिल्म्स आर श्रिंकिंग पुलिंग अवे फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस एबनॉर्मल फिल्म फॉर्मेशन। मतलब हमारी जो टैबलेट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हमने परफोरेटेड कोटिंग पैन से हमने इसको कोट किया, अब श्रिंक हो रही है इसकी कोटिंग और शार्प कॉर्नर से रिमूव हो जा रही है। सो क्या इश्यू हो सकता है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ, क्या रीजन हो सकता है? लो कंसेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर, हाई विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, इम्प्रॉपर एटोमाइजेशन प्रेशर और एम्बोजिंग। एम्बोजिंग क्या होता है? अच्छा, डिस्प्रिन की टैबलेट आप लोगों ने देखी है क्या? डिस्प्रिन, डिस्प्रिन की टैबलेट देखी है आपने? बताने वाला हूं एम्बोजिंग, याद रखिए एम्बोजिंग क्या होता है, मैं बताने वाला हूं। एम्बोजिंग का, एम्बोजिंग देखा है आपने कभी? देखिए मैं बता दूं, एम्बोजिंग, एम्बोजिंग मतलब जो टैबलेट पे मोनोग्राम लगा रहता है, होलोग्राम लगा रहता है, जैसे यहां पर लिखा रहता है एस्पिरिन, इस तरीके का, ठीक है, वो एम्बोजिंग मतलब एम्बोज है उस पे। क्लियर करिएगा फर्स्ट एंड टू, ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। देखिए मेरे को तो लग रहा है यहां पर सारे सही हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर कंसेंट्रेशन प्लास्टिसाइजर की कम होगी तो श्रिंकिंग का तो इशू होगा, क्योंकि श्रिंक हो जाएगा, प्लास्टिसाइजर हो तो इलास्टिक हो जाएगा, मतलब इशू नहीं आएगा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो इशू तो जरूर आएगा, नॉर्मल विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर एटोमाइजेशन प्रोसेस प्रेशर होगा, अगर हम कोटिंग सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं डालेंगे तो तब भी तो इशू करेगा। एम्बोजिंग, अगर हमारे पंच पे एम्बोज है कुछ और उसने जैसे कंप्रेस किया तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिल्म है वो इशू क्रिएट कर सकती है। तो इस हिसाब से मेनली हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्या ये चीजें क्लियर हुई? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट क्लियर करें सभी लोग। इज दैट क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? बताइए, ऑल आर करेक्ट? अब समझ में आया? जल्दी जल्दी थम्स अप जल्दी जल्दी भेजें, क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। चीजें क्लियर करिएगा, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हेन अकेशिया, क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अकेशिया ट्राइगागन वेट ग्रेन्यूलेशन में जब एज अ बाइंडर, जब इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है वो फिर बात करते हैं। अकेशिया और हमारा मेनली ट्राइगागन जब यूज करते हैं एज एन बाइंडर इन वेट ग्रेन्यूलेशन, तो थोड़ा सा माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं, पर उसको एकदम से ड्राई करना है, कितने टेम्परेचर पे ड्राई करना है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए, लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज 32-35 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी इज 25 डिग्री सेल्सियस। इज दैट थिंग क्लियर? बताइए जल्दी जल्दी, चीजें क्लियर हुई? सो द करेक्ट आंसर, देखिए मैं बता दूं, जब हमारा ट्रेगागंत और अकेशिया, ट्रेगागंत और अकेशिया जब यूज करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको क्या करते हैं वेट ग्रेन्यूलेशन में यूज करने से पहले, इसको एकदम कितने टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेली ड्राई कर देते हैं, क्विक ड्राई डेड टेम्परेचर 37। चीजें क्लियर हुई? बताइए, इज दिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर? बताइए, चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छे, समझ गए हैं, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, चीजें क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अगेन मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी,
कैपिंग पूछा गया है, लेमिनेशन पूछा गया है, पिकिंग पूछा गया है, स्टिकिंग पूछा गया है। सबसे पहला पूछा गया कि कैपिंग, कैपिंग मतलब पार्शियल और सेपरेशन होता है क्राउन का, ठीक है। देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स, ये तो हमारा लेमिनेशन हुआ। तो लेमिनेशन, लेमिनेशन मतलब इस तरीके से टैबलेट हमारी अलग अलग लेयर में बट जाती है। चीजें क्लियर हुई, ये पहला मैच हो गया। कैपिंग, कैपिंग का हम ढूंढ रहे थे, टैबलेट मटेरियल अडियरिंग टू द डाइवॉल, ये रहा कैपिंग का थर्ड, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी, टॉप या बॉटम क्राउन जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। नाउ ए का थर्ड हो गया है, बी का फर्स्ट हो गया है, ठीक है। अभी तक हमारा कौन सा चल रहा है, ए का थर्ड, ये ए का थर्ड हो गया है, बी का फर्स्ट हो गया है, ठीक है। सी का पिकिंग, का पिकिंग मेनली याद रखिएगा, नाम पर मत जाइएगा, स्टिकिंग यहां पे इस तरीके से, ठीक है। इट इज, इट डिनोट्स द स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच। पिकिंग, यस पिकिंग, थोड़ा सा पिकिंग अपीयरेंस आया, जैसे उठा लिया तो नीचे जैसे चिपक जाता है कुछ, तो पिकिंग अपीयरेंस। स्टिकिंग मेनली डिनोट्स करता है टैबलेट मटेरियल एडियर टू द डाई वॉल, ठीक है। जब टैबलेट का मटेरियल डाई वॉल से चिपक जाता है उसको मानते हैं हम स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब चिपक जाना, पिकिंग मतलब उठाते हुए वो पिकिंग अपीयरेंस आ जाना। चीजें क्लियर हुई, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बताइए, बहुत देर से हम सब नहीं आया है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी विद द सेम एक्साइटमेंट चैंपियंस। देखिए, मैं अगर आपको बात करूं, एग्जाम्स आ रहा है, प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, यस चैंपियंस, ओके। जल्दी 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 कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी, आई नीड एन आंसर, ओके। 250 प्लस स्टूडेंट्स आर वॉचिंग एंड जस्ट गेटिंग द हैंडफुल ऑफ लाइक्स, हैंडफुल ऑफ एक्साइटमेंट, सो यू आर द मोटिवेशन फॉर मी। आपका मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन रहेगा, आप मोटिवेट रहेंगे तो मैं भी मोटिवेट रहूंगा, ओके। चलिए, बहुत अच्छे, चलिए चलिए आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड पूछा गया है, नॉट यूज्ड टू मेजर द टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए? पहला एरवे का टेस्टर, ऑप्शन बी इज टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, ऑप्शन सी इज स्ट्रॉन्ग कॉर्क टेस्टर, ऑप्शन डी इज फाइजर। बताइए कौन सा नहीं होता। अब देखिए, हार्डनेस, क्रशिंग क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं हार्डनेस, ये भी तो जानना है। हम शिपिंग कर रहे हैं, एक जगह से अपना दूसरी जगह सामान लेकर जा रहे हैं, टैबलेट जा रही है, ट्रक्स में लोड होकर जा रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि हम सबसे पहले देख लें जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो इतना शॉक, मैकेनिकल शॉक जो बोलते हैं उसको, मैकेनिकल शॉक बोलते हैं, ट्रक में लेकर जा रहे हैं तो टैबलेट्स हिलेंगी, क्या पता टैबलेट्स जो वॉल्स हैं उनका जो ब्लिस्टरिंग पैकिंग है उनपे लग के टूट ना जाए, तो कम से कम उसको उस चीज को बियर कराने के लिए एक पर्टिकुलर हार्डनेस दी गई, ठीक है। एक आइडियल हार्डनेस मैं बताऊं 4 kg, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया कि कौन सा नहीं है, तो देखिए एरवे का टेस्टर तो करता है, अब ये यहां पर डिसइंटीग्रेशन, तो ऑब्वियस ही बात है डिसइंटीग्रेशन टेस्टर होगा, चीजें समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड कॉप भी है, फाइजर भी है, दो एपरेटस और हैं जो हार्डनेस और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ को यूज के लिए यूज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, एग्री कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, फिर इसको ट्रिक से बताने वाला हूं, ट्रिक से याद करेंगे पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बताइए। चलिए, नाउ नेक्स्ट, दैट इज योर करेक्ट आंसर इज टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, ठीक है। नाउ अब देख लेते हैं मेनली टैबलेट हार्डनेस क्यों करते हैं, दैट इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट्स इन डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन बिहेवियर मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो स्टैंडर्ड हार्डनेस है वो मिनिमम रहेगी 4 kg, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिनिमम 4 kg। अब पांच इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज होते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए और जो हार्डनेस के लिए, ठीक है, चीजें समझिएगा, ठीक है, कौन से होते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। दीज आर दी फाइव इंस्ट्रूमेंट्स,
फाइजर टेस्टर, एरवे का टेस्टर, मोनसेंटो टेस्टर, स्ट्रॉन्ग एंड कोप टेस्टर एंड स्क्लुएंजल टेस्टर। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करूं, देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं पी ऑफ फाइजर टेस्टर, ई फॉर एरवे का टेस्टर, सॉरी ओके मैं ले लेता हूं पहले एम मोनसेंटो टेस्टर ले लेता हूं, फिर एम ई ले लेता हूं और स्ट्रॉन्ग एंड कॉप का एस ले लेता हूं और स्क्लुएंजल का एस ले लेता हूं। ठीक है, ये पांच वर्ड मैंने ले लिया है। P for Prashant. Prashant is eating in mess. Mess. Prashant is eating food in mess. क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ गया? Prashant in mess से आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? Is that thing clear? जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत अच्छे, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैच द मेथड्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है बताइए जल्दी जल्दी। डेंसिटी ऑप्शन, सरफेस एरिया, ग्रेन्युलर स्ट्रेंथ, फ्रैगमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज, किस किस से डेंसिटी हमारा किससे होता है? ये लीजिए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, मैं हट जाता हूं, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी को किससे मेजर करेंगे? डेंसिटी को मेजर करते हैं पिकनोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किससे करते हैं? मैंने बताया भी है, काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। ठीक है, सरफेस एरिया मेजर करते हैं परमिएबिलिटी और गैस एब्जॉर्प्शन मेथड से, एब्जॉर्प्शन मेथड से। यस, गैस एब्जॉर्प्शन मेथड में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिएगा उसको, क्वांटा सोर्प उसका नाम है, क्वांटा सोर्प। ठीक है, क्वांटा सोर्प यूज होता है। चीजें क्लियर करिएगा, चीजें क्लियर हो गई, समझिएगा। ठीक है, क्वांटा सोर्प, ग्रेन्युलर स्ट्रेंथ और फ्रैबिलिटी, यस मेनली फ्रैबिलेटर से यूज करते हैं, फ्रैबिलेटर और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू क्रश। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी हमारा फनल मेथड से होगा। ठीक है, फनल मेथड होता है, टिल्ट मेथड होता है, और कौन सा मेथड होता है? चीजें क्लियर हुई बताइए, कौन सा मेथड होता है फ्लो प्रॉपर्टीज के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए? एक टिल्टेड बॉक्स मेथड होता है, थ्री का डी, बहुत अच्छे, ओके क्वांटस और नीलम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को मजा आ रहा है। यस, बॉक्स मेथड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बीट इक्वेशन, ओके बीट इक्वेशन, एक अगेन बहुत बढ़िया बात हुई, सरफेस एरिया, ठीक है, बीट इक्वेशन यूज होती है, बहुत अच्छे। बीटी मतलब ब्रूनर एमेट टेलर, यस ब्रूनर एमेट टेलर यूज होता है, ब्रूनर एमेट टेलर इक्वेशन यूज होती है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी चीज बताई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चीजें क्लियर करती है, चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ गए हैं, चले आगे। नेक्स्ट, अरेंज द डिसइंटीग्रेटिंग टाइम ऑफ टैबलेट इन असेंडिंग ऑर्डर। टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग उनको किसमें मेनली असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा होगा बढ़ते क्रम में, जिसका सबसे ज्यादा है पहले वो, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम। क्वेश्चन क्लियर हुआ बताइए, इज दैट थिंग क्लियर? Is that thing clear? जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, so soluble tablet दिया गया है, film coated tablet दिया गया है, entry coated, sugar coated। अगर मैं बात करूं entry coated, yes entry coated की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर entry coated में mainly हमारा entry polymers, जितने भी हमारे मैंने बताया था polymers, yes entry coating polymers, phthalates, phthalates, ठीक है, phthalates यूज होता है, phthalates पॉलीमर। ठीक है, अगर मैंने बात की थी एंट्री कोटेड पॉलीमर्स जिन पे हैं, जो एंट्री कोटेड टैबलेट हैं, उनको सबसे पहले हम मेनली 0.1 नॉर्मल एससीएल में देखेंगे, फिर उसके बाद फॉस्फेट बफर में देखेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं बताइए, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? पहले एससीएल में फिर मेनली, तो इसका मतलब डिसइंटीग्रेटिंग टाइम इसका सबसे ज्यादा होगा। चीजें समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन थर्ड मतलब ये, ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ शुगर कोटेड टैबलेट, चीजें क्लियर। सेकेंड ऑप्शन दैट इज फिल्म कोटेड, फिर सोल्यूबल टैबलेट दैट इज फर्स्ट। ठीक है, चीजें क्लियर हुई बताइए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।
चीजें बहुत प्रूव करते चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है आप लोगों के अंदर, जिस तरीके से चल रहा है एक्साइटमेंट होना चाहिए, समझते चलिए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मैच द कॉमर्शियली अवेलेबल कोटिंग सॉल्यूशन विद इट्स एप्लीकेशन। ये कुछ कोटिंग सॉल्यूशन है, इनकी एप्लीकेशंस। पहला है ओप्लेक्स, ऑप्शन बी इज ओपा ड्राई, ऑप्शन थ्री सी थ्री थर्ड इज दैट इज योर ओपा स्प्रे। चीजें क्लियर करें, बताइए बताइए फटाफट। ओप्लेक्स किसके लिए यूज होता है? ओप्लेक्स हमारा ओपेक कलर कंसंट्रेशन फॉर फिल्म कोटिंग नहीं होता। ऑप्शन बी ओपेक कलर कंसंट्रेट फॉर शुगर, यस ओप्लेक्स हमारा इसके लिए यूज होता है। चीजें क्लियर करिएगा। सेकंड, ओपा ड्राई किसके लिए यूज होता है? ओपा ड्राई जल्दी जल्दी बताएंगे। चीजें क्लियर हो? जल्दी जल्दी बताइए। ओपा ड्राई, ओपा ड्राई का उसका एप्लीकेशन जल्दी जल्दी क्लियर करिएगा। टू का ओपा ड्राई, बहुत अच्छे। टू का सी कंप्लीट फिल्म कोटिंग कंसंट्रेट, क्लियर करिएगा। ऑप्शन थर्ड इज कौन सा रिमेनिंग है? दैट इज दी योर ओपा स्प्रे, ओपेक कलर कंसंट्रेट फॉर फिल्म कोटिंग स्प्रे। फिल्म कोटिंग, ड्राई का मतलब कंप्लीट फिल्म कोटिंग कंसंट्रेट, ओप्लक्स मतलब ओपेक कलर फॉर कंसंट्रेट फॉर शुगर, प्लक्स लक्स शुगर। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। समझ में आ गया है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थिकनेस ऑफ टैबलेट इज मेजर बाय, थिकनेस ऑफ टैबलेट इज मेजर बाय, टैबलेट की थिकनेस किससे मेजर की जाएगी? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, एनीमोमीटर और मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन से आर एंड एस ये दोनों, ऑप्शन बी इज पी एंड आर, माइक्रोमीटर एंड एनीमोमीटर। आर ओनली सी आर ओनली दैट इज योर एनीमोमीटर, पी एंड क्यू दैट इज योर माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, यस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बता दूं अगर माइक्रोमीटर से थिकनेस, यस क्राउन थिकनेस, ये हमारा देखिए दो पार्ट होता है, बीच में मेन बॉडी, ये नीचे, ठीक है, ये मेजर करना है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर हमारा मेनली यूज होता है, एनीमोमीटर हमारा विंड स्पीड के लिए होता है, विंड की डायरेक्शन, हवा की स्पीड और डायरेक्शन के लिए यूज होता है, और मैनोमीटर हमारा किसके लिए? प्रेशर के लिए होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? समझ में आ गया है सारी चीजें? इज दैट थिंग एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? चीजें बताइएगा जल्दी जल्दी, क्लियर करिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, देखिए यही चीज, ये चीज मैं आपको बताने वाला था, दैट इज योर, ये क्राउन थिकनेस ऑफ टैबलेट मेजर बाय माइक्रोमीटर, जो क्राउन थिकनेस होगी, और टोटल क्राउन थिकनेस जो होगी बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है, टैबलेट थिकनेस का जो वेरिएशन दिया गया है वो प्लस माइनस 5% ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू के वेरिएशन से दिया गया है। चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। समझ गए हैं साइज एंड शेप? यस, चीजें समझ गए हैं? जल्दी जल्दी बताइए साइज एंड शेप। अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स, दैट यू योर मैसेज इज जस्ट कमिंग इन अ फ्लो। ओके, अगर किसी का कोई मैसेज रह जाता है दैट आई एम अनेबल टू रीड दैट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आते रहते हैं और वो ऊपर जाता रहता है। ठीक है, चीजें क्लियर करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा आपका पर्सनल क्वेरी, आप मेरे को पर्सनली पूछिए बाय जस्ट डूइंग द मैसेजिंग, और डोंट हैव टू वरी, आई एम गोइंग टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स। ओके, चीजें समझिएगा। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? नाउ चलिए आगे चले, नेक्स्ट मूव करें। कैपिंग ऑफ टैबलेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय कैपिंग। कैपिंग क्या होता है? कैपिंग हमें पता है, कैपिंग हमारा क्राउन का सेपरेशन होता है। चीजें क्लियर करेगा? क्राउन का सेपरेशन, प्री कंप्रेशन, रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन रेट यूजिंग फ्लैट पंचेस और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी बताएंगे स्टूडेंट्स,
You all are watching, just you have to motivate by liking this video. Yes, don't forget to like the hit the bell icon and the press, just press the bell icon and hit the like button also. So you will get the latest update while we are going to again and the next session we are going to live. Okay, चीजें clear हो गई हैं आप लोगों को. So इसमें पूछा गया capping of tablet can be eliminated. जो capping है, जो capping defect है, वो किससे eliminate हो सकता है? Pre-compression. Yes, हम pre-compression capping को, क्योंकि दोबारा compress करेंगे तो yes crown को, crown ही तो separation है. अगर pre-compression करेंगे तो solution हो गया. Reducing the final compression rate. Yes, अगर compression rate को slow कर दिया तो अच्छी होगी. यस कैपिंग. यूज ऑफ फ्लैट पंचेस. यस, अगर फ्लैट पंच हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एम्बोस्ड पंचेस तो हमारी कैपिंग इशू सॉल्व हो जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं जल्दी जल्दी. चीजें क्लियर करें. यस, सो द करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन. सो स्टूडेंट समझ रहे हैं बहुत अच्छे से. And yes, tighten your seat belts now at the 9 p.m. Abhi thoda sa session after three questions. We are going to compile the session today of today's session. I hope you like this session also. So, फिर उसके बाद pharmacology का session चलने वाला है. बहुत important होने वाला है. ठीक है? चलिए. Now, next is the USB device to test disintegration uses dash glass tubes that are dash inches long held against screen of dash mesh. जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग क्या क्या है फटाफट. 6 3 10 5 6 10. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं the USB device to test disintegration uses 6 glass tube. Yes, 6. ठीक है. That are 3 inches. Yes, 3 inches. Yes. So held against screen of 10. So option A is the correct answer. Clear हो रहा है. Disintegration की apparatus की बात की गई थी. समझ गए हैं. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. समझिएगा. Yes. चीजें क्लियर. बहुत अच्छे से समझ गए हैं. समझ गए हैं. थम्स अप, थम्स अप. विद नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कंपाइल द सेशन. थम्स अप जरूर आना चाहिए. ठीक है, मोटिवेट रहना है, करना है, पढ़ते रहना है. याद रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. जब अगर आपका एक माइंड सेटअप बना रहेगा तो आप पढ़ते रहेंगे. जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग. यस, जल्दी जल्दी. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए, सो अब अगेन क्वेश्चन पूछा गया था. लैब फ्रायबिलिटी टेस्टर नोन एज रोशे फ्रायबिलिटर रिवॉल्व्स एट आरपीएम डैश आरपीएम एंड ड्रॉप द टैबलेट एट द डिस्टेंस ऑफ कितना. जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे. इसमें पूछा गया रोशे फ्रायबिलिटर. ठीक है, 100 और 6, 25 और 6, 50 और 3 और 25 to 3. ठीक है, पूछा गया इसमें कितने आरपीएम पे रोशे फ्रायबिलिटर रोटेट होता है, कितनी इंच से टैबलेट गिरती है, ये पूछा गया है. चीजें क्लियर करिएगा. ओके, बी बोल रहे हैं सभी लोग. चलिए बी. यस, बी मतलब 25 आरपीएम, 25 रन पर मिनट. यस, 25 घूमेगा तो 100 रिवॉल्यूशन लेगा. चीजें क्लियर. 6 inches. यस, 6 inches मेनली 6 होगा, सॉरी 6 सेंटीमीटर से ड्रॉप गिराएंगे टैबलेट को एक डिस्टेंस से. क्लियर हो गया है, सारी चीजें क्लियर. बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, नाउ एविसेल इज यूज्ड एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन चैंपियंस. वी आर गोइंग टू कंपाइल नाउ. यस, जल्दी जल्दी बताइए. लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है. एविसेल, एविसेल किसके लिए यूज होता है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. डिस इंटीग्रेंट के लिए एविसेल हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है. सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है, एमसीसी बोलते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. यस, सुपर डिसइंटीग्रेंट. सो स्टूडेंट्स, टुडे सेशन इज जस्ट वी आर हैविंग
दिस लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही धमाकेदार रिप्लाई आपके आते रहे, मेहनत करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है. मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूरी है और वो मोटिवेशन हम भर के रहेंगे. यस. सो स्टूडेंट्स लास्ट ऑफ टुडे सेशन, अभी आपके साथ सर कनेक्ट होने वाले हैं, चीजें क्लियर करें. नाउ नेक्स्ट हम लेकर आएंगे कैप्सूल पर, शुरू करने वाले हैं सेशन. कितने स्टूडेंट्स एग्री हैं कैप्सूल करें कि कौन सा टॉपिक, जल्दी जल्दी सजेस्ट करें, फटाफट टॉपिक में फटाफट डालें टॉपिक में. एंड थैंक यू सो मच चैंपियंस, थैंक यू, थैंक यू. विदाउट बीइंग इट इज नॉट पॉसिबल. यस, थैंक यू सो मच. जल्दी नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होने वाला है, कोशिश करेंगे रेगुलरिटी मेंटेन करने की. कैप्सूल के साथ जरूर मिलने वाले हैं, इजी बना देना है, फार्मास्यूटिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर देना है, फार्मा फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक्स, फार्माकोग्नोसिस सब कवर करने वाले हैं. यस, थैंक यू चैंपियंस. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस सेशन. सो थैंक यू अगेन, सर आ रहे हैं आपके लिए 9 बजे लाइव. सो मिलते हैं सर के साथ में. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.